हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज, डियर गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, सो चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। तो जनरल रीडिंग है जिसको सब लोग देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ ऐसा है जो वो सोच रहे हैं, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है इस वक्त बहुत तेजी से, तो इस चीज को हम चेक करेंगे। तो एनर्जीज जो भी है वो मैं देखूंगी कि क्या एनर्जीज है और क्या आपके पर्सन, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं यदि, तो क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्या वो आपको याद कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्या आ रहा है उनके मन में आपको लेकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इस चीज़ को जो है वो गाइस चेक करूंगी मैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एनर्जीज आपके पर्सन की। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करेंगी कि करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है और क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करेंगे। फर्स्ट कार्ड है और फर्स्ट कार्ड भाई देखो सीधा सीधा सामने से आ रहा है फर्स्ट कार्ड कि आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ तो ऐसा है जो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखो ये ना इनको थोड़ा गिल्ट भी हो रहा है, किसी कोई बात ऐसी है जो इनको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही है, गिल्ट गुल्ट में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले तो आपके साथ बहुत प्यार दिखाया, बहुत प्यार का वादा किया, आप बहुत क्लोज रहे, फिर है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने बिल्कुल दूरियां सी बना ली, वो रिश्ता ही तोड़ दिया, वो भूल ही गए आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, है ना, और एकदम से दूरियां सी बना ली। बट आज इन्हें काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्योंकि कुछ और भी ऐसा लग रहा है, कुछ और भी ऐसा दिख रहा है जैसे ना, जिसकी वजह से इनको आज थोड़ा गिल्ट हो रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है जो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन हो, या फिर कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है इनकी फैमिली से हो सकता है, या फैमिली ही इनकी किसी थर्ड पार्टी को लेकर आई थी, जिसकी ना बातों में आकर इन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता जो है ना वो खराब कर लिया, और अब इन्हें पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है, और कुछ ऐसी भी क्लेवरनेस एनर्जीज आ रही है जो थर्ड पार्टी की इनको समझ आ रही है। तो टोटल जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, टोटल जो मेरे को एनर्जीज फील हो रही है, वो यहाँ पर यही दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा मेंटल तौर पर परेशान है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और ये आपका जो साथ है वो नहीं छोड़ना चाहते थे बिल्कुल भी, पहले भी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन दूसरे लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब कर लिया, और अब ये सोच में पड़े हुए हैं कि ये क्या करें, क्योंकि ब्लॉक कर दिया है और बात भी नहीं करते हैं, और पिछले का कुछ महीनों से रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो गई, क्योंकि इन्होंने ना चीज़ें एकदम से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो इनकी तरफ से बहुत चीज़ें खराब हो गई, बहुत ही ज़्यादा। तो अब एक तरीके से पछतावा है, साथ में कुछ ऐसा भी दिख रहा है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि अब ये किसी तरह उन चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश जो है ना वो इनकी दिखाई दे रही है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टोटल परेशान है, डिप्रेस्ड है, गलती का एहसास हो रहा है इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, गलती का एहसास हो रहा है। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के सामने आपको बहुत ही ज़्यादा रूडली बोला है, या कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपसे भी लड़ाई की है, आपसे भी बहुत रूडली बोला, ये दोनों ने मिलकर, मतलब आपके पर्सन और आपकी और जो थर्ड पार्टी, इन दोनों ने मिलकर आपको बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज आ रही है, बट यहाँ पर एनर्जीज ये आ रही है, और ये चीज़ आपके पर्सन को ना गाइस बहुत रियलाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है कि मतलब उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार कर कैसे लिया। तो हो सकता है कि ब्लैक एनर्जीज की वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा घूम गया हो, और देखिए मैं आपको यही चीज़ बोल रही थी कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ऐसा कार्ड भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बोल रहा है, ठीक है। तो माफ़ी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से
इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आज इनका भी दुख रहा है, ठीक है। इनका इनका दिल इसलिए ऐसे दिख रहा है क्योंकि जो जो जिस इंसान के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ा, जिस इंसान को, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का नेचर का पर्सन है वो, कि अब इन्हें खुद ही वो इंसान परेशान कर रहा है, खुद ही ये उस व्यक्ति से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब क्लेवर है वो, सबसे बड़ी चीज़ है। और वो जानबूझकर इस तरीके से उसने किया कि पहले इनको मिसगाइड कर दिया, जब ये मिसगाइड हो गए तो फिर उस थर्ड पर्सन की तरफ जब पूरी तरीके से हो गए, तब जाके वो जो असली रूप होता है ना, जो असली चेहरा होता है थर्ड पार्टी का, वो इनको देखने को मिला। और अब ये एकदम से बाहर आना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, और आपको लेकर मतलब सोच रहे। एक तो गिल्ट बहुत है ना, ऊपर से शेम फील इसलिए हो रहा है क्योंकि अब सबको जानते हुए भी, है ना, कई बार हो सकता है कि आपने भी इनको कई बार सचेत किया हो, कई बार आपने बोला हो कि भाई मैं तुम्हारा साथ परमानेंटली दूंगा, मतलब मेरे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, है ना। बट इन्होंने उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं भुला दिया, या इस वो चीज़ भी इनको समझ नहीं आई, मतलब आपके आश्वासन पर कि आपने बोला कि हाँ मैं साथ दूंगा, पर दिमाग जो है वो इनका काम ही नहीं किया, है ना, और इस तरीके से वेव किया। तो आज थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है, लेकिन आज गिल्ट हो रहा है और अब माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है देखकर कि हाँ अब ये कोई डिसीज़न भी मे भी कोई डिसीज़न ले सकते हैं। देखो, लेकिन डिसीज़न ले तो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि डिसीज़न तो ये ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोका टोकी है इनकी लाइफ में, बहुत रोका टोकी थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब एक तरीके से टूट चुके हैं ये, है ना। क्योंकि जो सिचुएशन इन्होंने ब्रेक करी आपकी, वो बहुत ही अच्छा रिश्ता था आपका, बहुत अच्छा रिश्ता जिसमें मतलब आप हैप्पी थे, बहुत अपने रिलेशनशिप में खुश थे, खुशियाँ मिल रही थी, खुशियाँ एक दूसरे के करीब आ रही थी आप लोगों के बीच में, लेकिन सडन ही मतलब इस तरह का बिहेवियर जो कि आज इन्हें महसूस हो रहा है, ठीक है। शादी को भी लेकर मुझे लग रहा है कि कुछ इन्होंने शादी को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, बट शादी की नहीं, है ना, और अगर की थी तो निभाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज बन रही है। और थर्ड पार्टी ने इनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, जो आपके पर्सन से ने मतलब आपके पार्टनर ने ना कुछ सीक्रेट्स थे आपके और उनके, वो भी बता दिए, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी क्लेवर है कि उसने बड़ा ही इमोशनल करके इनको, बड़ी चालाकी से, क्लेवर तरीके से इनके दिल की सारी बातों को इनसे निकलवा लिया। अब जब सारी बातें थर्ड पार्टी को पता चल गई, तब जाकर वो एक अलग ही रूप में सामने आई, और अलग रूप में सामने आने पर उसने एकदम आपके रिश्ते को ब्रेक करवाया। वो खुद आकर आपसे झगड़ा हुआ है, मैं कहीं कहीं देख रही हूँ, फ़ोन पर बात हुई आपकी और थर्ड पार्टी की, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं आपके बीच में, लेकिन अब जाकर उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है और आपके पर्सन को भी समझ आ रहा है कि ये चीज़ तो उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि जानबूझकर इस तरीके से सब चीज़ें बिल्कुल ख़राब कर ली। तो ये उनको फील हो रहा है और अब वो उन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो गलतियां जो उन्होंने की वो सुधारें। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि वो जो निर्णय लेंगे ना, वो निर्णय ये होगा कि वो सबसे पहले तो वो आपके साथ बातचीत करेंगे और मौका ढूंढ रहे हैं, आपके पर्सन मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, माफ़ी मांगने का, क्योंकि मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे कि भाई ये सोच लें कि चलो भाई आपसे मूव ऑन कर लें, लेकिन मूव ऑन इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक लंबे टाइम तक रिश्ते में रहे हो, है ना, एक अच्छा रिश्ते में रहे हो एक लंबे टाइम तक, सडन चीज़ें खराब हो गई सडन, तो अब एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उनको, और दिल उनका टूट रहा है, और चीज़ें बिखरी हुई चीज़ों को अब सही करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो एनर्जीज यहाँ पर यह है कि वो लौटना चाहते हैं आपके लाइफ में, एक बार फिर से आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आपकी एनर्जीज को देख लेती हूँ, आपकी खुद की एनर्जीज क्या है। ओ माय गॉड, इतना डिप्रेस्ड हो रहे हो आप तो गाइस, 24 आवर्स आपका माइंड जो है वो अपने सोल में ट्विन फ्लेम की तरफ लगा हुआ है, जैसे मैं देख पा रही हूँ।
24 आवर्स आपका दिमाग एकदम बंद गया है आपके रिश्ते में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं करे, हर वक्त आपको बस यही लग रहा है कि कैसे ठीक करें हम अपने रिश्ते को। तो भाई आपके कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको वादे किए थे, जिस तरीके से इन्होंने आपको प्रॉमिस किए थे, वो सारी चीज़ें तो इन्होंने सडनली तोड़ दी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, या तब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप थे या फिर अब आपका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया है, अगर शादी हो गई होगी तो अब हो गया है, नहीं तो पहले आपका रिलेशनशिप इनके साथ, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की, वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज आ रही है, ब्लैक एनर्जीज आ रही है, ब्लैक एनर्जीज तो कंट्रोल तो किया है, ब्लैक एनर्जीज के द्वारा कंट्रोल किया है, और ये ब्लैक एनर्जीज ही है जो आपके रिश्ते को काफ़ी हद तक है ना बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप लोगों के बीच में अलगाव हो जाए, और बहुत कुछ अलगाव तो हो भी गया है, लेकिन आप उनको भुला नहीं पा रहे हो अगर अपने पर्सन को, तो वो उनके मैनिफेस्टेशन से, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से आप उनको भुला नहीं पा रहे हो, चाह कर भी नहीं भुला पा रहे हो। अगर आप कोशिश भी करोगे कि हाँ भाई चलो भूल जाए, सब कुछ दोबारा से एक नई शुरुआत करें, अपनी ज़िंदगी में जिए, तो वो भी नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं हर टाइम। और जब एक इंसान आपको मैनिफेस्ट करेगा तो आप कैसे उससे बाहर आ जाओगे, है ना। तो मैरिज को लेकर मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी मैरिज हुई है, या फिर मैरिज जैसा रिलेशनशिप था, लाइक अ मैरिड कपल की तरह इन्होंने आपको प्यार दिखाया था। कई बार आप मिले भी हो, कई बार आप लोगों ने बैठकर एक दूसरे के साथ फ्यूचर की प्लानिंग की है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की हैं, मतलब यहाँ तक कि आगे तक की प्लानिंग आपने कर ली थी कि हाँ भाई हम साथ में रहेंगे, हमारा और आपका साथ होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, फैमिली किट्स तक दिख रहे हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग जैसे होती है ना, लाइक मैरिड कपल एक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। इन्होंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करी भी है शादी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, मतलब एक अपनापन इन्होंने आपको दिखाया था और एक अटैचमेंट इन्होंने आपको दिखाया था, तभी जाके आप ही कन्विंस हुए कि हाँ भाई चलो एक लाइफ पार्टनर ऐसा तो मिला है जीवन में। एज डिफरेंस आपका दिख रहा है, बड़ी बड़ी मैच्योर एज भी आपकी दिखाई दे रही कि आप मैच्योर एज के हो, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो आप, है ना, लेकिन फिर भी एक तरीके से धोखा हो गया आपके साथ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपके रिश्ते को आप समझ ही नहीं पाए। और हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि चीज़ें ठीक थी, बेहतर थी आपकी, ये नहीं थी कि बेहतर नहीं थी, कि पर्सन ऐसा नहीं था, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, वरना आप इस रिलेशनशिप में आगे कभी बढ़ते ही नहीं। पार्टनर की तरफ से प्यार भी मिला, उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई आपकी लाइफ में जिसमें आपको एक उम्मीद जगी थी कि हाँ भाई हमारा रिश्ता है तो हम इस रिश्ते में रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे, बट सडन जो चीज़ें हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी, सडन ही उन्होंने उनका बोलना, बात ना करना, सडन ही धोखा देना, सडन ही ब्लॉक कर देना, चले जाना, मतलब आप तो जैसे कि पूरा बिलीव करके बैठे हुए थे इनके ऊपर, क्योंकि आपको ना इनके जब इनसे बात की थी ना, आपको एक अंदर से अपनापन लगा था कि हाँ शायद यही है वो इंसान जिसकी जो मतलब एक अपना है, जिसको हम चाह रहे थे कि एक ऐसा पर्सन हो मेरी लाइफ में। बात करते थे आप तो सुकून मिलता था इनसे, नहीं बात करते तो बेचैनी होती थी आपको, तो वो सब जो हो रहा था वो पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से हो रहा था कि बात, कई बार मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपने अपने आप को संभाला है, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने बोला है कि नहीं हमें इतना रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कई बार, क्योंकि जब आपका देख रही हूँ कि आप मिलने गए बाहर, है ना, इनके साथ आपका आपने बहुत सारी बातें की, है ना, बहुत सारी हिडन फीलिंग्स भी आपने, सीक्रेट्स भी शेयर किए, तब कहीं ना कहीं आपको एहसास होता था कि इतनी ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप बढ़ते चले गए इस रिलेशनशिप में, कैसे बढ़ते चले गए आपको खुद नहीं पता, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपका एक पास्ट का कनेक्शन था, सोलमेट था, वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम था, तो उसके साथ कैसे नहीं आप आगे बढ़ते, है ना, सब कुछ आपने उनको सौंप दिया कि हाँ भाई ठीक है, मेंटली भी आपने उनको केयर भी बहुत किया, सपोर्ट भी किया, फाइनेंशियल भी किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज ने आपके साथ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेकर एकदम से
तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया आपके रिश्ते को। आज मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन आपको लेकर प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जो धोखा उन्होंने आपको दिया उस धोखे को लेकर ही अंदर रो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब 24 आवर्स मिस करते हैं आपको, जिससे आपको भी हर वक्त उनकी याद आना, मैंने मतलब आप भूल नहीं पा रहे हो, है ना। कोशिश जैसे ना, मतलब कोशिश भी करते हो ना आप, तो कोशिश नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनका प्यार आपके लिए इम्पोर्टेंस था, इतना गहरा प्यार आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से ना आप कोशिश भी नहीं कर पाते हो। कोशिश करते हो तो आप हार जाते हो, उनको भुला ही नहीं पाते हो आप, ऐसा देख रहे हो। बल्कि थर्ड पार्टी, लेकिन ना थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से आपकी, क्योंकि पर्सन तो आपके अभी भी आपको मिस करते हैं, वो दिल के बुरे नहीं हैं, उनके दिल में आपके लिए आज भी प्यार है, जिस हिसाब से कार्ड में दिख रहा है, क्योंकि वो तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी उन गलतियों की, जो गलतियाँ उनसे हुई हैं जाने अनजाने में, है ना। तो वो कहीं ना कहीं लेकिन दूसरों की बातों में आ गए, ये चीज़ को लेकर उनको आज समझ आ रहा है कि हाँ उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, और अब वो माफ़ी मांगने को पूरी तरीके से तैयार है और आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं गाइस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, और अब उनको अच्छा उनको ना आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें मतलब उनको फील होता है कि वो ऐसा नहीं, उन्हें इस तरीके का बिहेवियर उन्हें आपके साथ नहीं करना चाहिए था। सो गाइज ये चीज़ दिख रही है। राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, वृश्चिक है, तुला है, कुंभ मीन है, धनु है, लिब्रा सजिटेरियस है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो पाइसेस। आज ना मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या फिर आपका वन साइड सिंगल मैरिड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड थे तो प्रॉमिस तो इन्होंने किए थे मैरिड को लेकर, मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी तरीके से उनकी बदल गई है ना। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि उनकी लाइफ में बिल्कुल खुशियाँ नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ हैं, और ये व्यक्ति, ये जो भी पर्सन है ना आपके, इनके साथ कनेक्शन तो आपका है गाइस, डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि जब ये आपसे दूर है ना तो इनकी लाइफ में बिखरी हुई लाइफ दिख रही है, इनकी लाइफ परेशानी वाली लाइफ दिख रही है। ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ को देखकर जैसे ये रोते रहते हैं, हर टाइम रोते हैं, इनको ना संभालने वाले सिर्फ आप हो, आप ही इनको संभाल सकते हो। जब ये अकेले होते हैं ना तो आपको याद करते हैं, आपका प्यार इन्हें चाहिए दोबारा से, आपके प्यार को ले तरस रहे हैं। थर्ड पार्टी में जाने की इनको जो सजा मिली है ना, जो ये काफ़ी परेशान रहे, एकदम स्ट्रेस में आए, वो चीज़ें आज इनको महसूस हो रही है। आज इनको तनाव बहुत है, आज ये खुद चाहते हैं, अभी भी मतलब इस तरह की एनर्जीज आ रही है कहीं कहीं कि आपके कनेक्शन में है ये, कभी कभार बातचीत हो जाती है, बट लगातार थर्ड पार्टी इनको प्रेशराइज करती रहती है, लगातार प्रेशर की वजह से ये आपसे ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, ढंग से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, खुलकर आपसे बोल नहीं पाते, और ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर एकदम घुटता है ना, इंसान एकदम स्ट्रेस में आ जाता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ आपका प्यार है, आपसे बात करना चाहते हैं, बट फिर भी आपको इग्नोर करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से जो एनर्जीज आ रही हैं थर्ड पर्सन की, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिक नेचर का है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर नेचर का है, और वो रोका टोकी कंट्रोलिंग एनर्जीज का, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होने के बाद भी आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए, ये चीज़ दिख रही है। आज ना आपका पर्सन आपके लिए तरस रहा है, आपके प्यार को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ना गाइस आज मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, सारा दिन ही आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता रहता होगा, या तो अंदर साइन दिखता होगा या कहीं ना कहीं आपको महसूस होता रहता होगा, लेकिन यहाँ पर हर टाइम आपके बारे में सोचना, अंदर से ना एक तरीके से आपका प्यार इनको हर वक्त याद आता रहता है, इनका दिल आपके प्यार के बिना बिल्कुल अकेला है, फीलिंग अलोन। सो गाइज ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग, और अगर आप मुझसे बिल्कुल पर्सनली तौर पर जानना चाहते हो, डिटेल के साथ बात करना चाहते हो, फिर मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। कॉल रीडिंग 1000 रुपीज़ की है, और
1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन आप व्हाट्सएप मैसेज में पूछ सकते हो। नंबर नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा अगर आपको रीडिंग लेनी है। बार बार मेरा ध्यान ना गाइस, बार बार मेरा इसी एनर्जीज पर बार बार ध्यान जा रहा है, बड़ा ही अकेलापन हो गया है इस इंसान की लाइफ में। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, लेकिन काफ़ी थकी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें आपके प्यार की, लौटना चाहते हैं, ये फंसाव में फंसे हुए हैं। सो गाइस आई डोंट नो, इमोशनल एनर्जीज है बहुत ज़्यादा। सो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना, हैप्पी रहें, बाय बाय।